मानसिक स्थिति ठीक है। हम अपनी तरफ से हमने जितनी तैयारी करनी थी की है, तो बस वी आर ऑल्सो एक्साइटेड कि फ्राइडे को रिलीज़ है। हम तो अभी लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं, यू नो, लोगों तक पहुंचाना ही इज द मेन थिंग। सो पॉजिटिव दिखा है क्योंकि हालांकि ये तो कॉमेडी है, सटायर है, लेकिन शायद जैसे दिखाते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, ऐसा मीडिया के बारे में कभी नहीं दिखाया। वी स्ट्रांगली बिलीव कि जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है तो मीडिया ही मॉरल पुलिस बनती है सोसाइटी का, चीज़ों को सामने लाने का, एक बैलेंस लाने का। तो हमने अपने सटायर के कहानी एक्चुअली उन्हीं के थ्रू आई थी, वो राइटर से पहले मिले थे, उन्होंने कहानी पढ़ी और मुझे फ़ोन किया और कहा कि बॉडीगार्ड के बाद अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे तो ये करो, ये बहुत अच्छी कहानी है। हमने सब सुनी तो वी वर एक्साइटेड क्योंकि आज की ऑडियंस यंग है और एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ यंग कनेक्ट फिल्म। और जब हमको एक कॉमेडी मिली अच्छा लगा, और जब कॉमेडी एक सटायर थी, जब कॉमेडी सटायर, बिकॉज सटायर भी आई नहीं है, टॉपिकल है, जिन विषयों पे हम बात कर रहे हैं वो आई थिंक रोज़मर्रा चर्चा में है, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, एवरीथिंग। तो इट्स अ वंडरफुल टाइम दैट दिस मूवी हैज़ कम। उनके दिल में प्रेम ही है, आप ही अलग अलग मतलब कभी कभी निकालते हो। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट जेनरस एंड ही इज़ अ जेन्युइनली गुड मैन। आई थिंक यू नो समटाइम्स ही गेट्स ओवर प्रोसेस, इट्स अनफेयर। I think he, whatever he does, he selflessly does, he does from his heart. He's always trying his best. I think he sometimes you all put him too much under the scanner. नहीं, हम तो ऐसा कोई दिखा ही नहीं रहे जो नहीं हुआ है। जो भी हम दिखा रहे हैं वो सच्चाइयाँ हैं। हमारी फिल्म सटायर है, सटायर बनती ही इज़ इंस्पायर्ड ऑलवेज फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। हम किसी एक चीज़ को मुद्दा बना के नहीं चल रहे हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट what is happening as a whole और क्या होना चाहिए। हमारे जैसे the moral is, you know, like Gandhiji's line that be the change you want to see in the world.